कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गणेश माता की जय। अथ निर्जला एकादशी महात्म्य। श्री भीमसेन बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन दान व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोला, हे पितामह, मैं आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता, फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना अति कठिन है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूं, तथा आप मुझे कोई एक व्रत बताइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नर्क में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुए और लता के समान कांपने लगे। वह बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता था, आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, श्री कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। और इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 मास से अधिक जल लेना नहीं चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है और आचमन में 7 मास से अधिक जल मद्यपान के समान होता है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मण को यथा योग्य दान देना चाहिए। इसके पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं, उसको मृत्यु के समय अभयानक यमदूत नहीं दिखते, और उस समय भगवान विष्णु के यमदूत स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए और उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर उसने निर्जल व्रत किया और इसी एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजन करनी चाहिए और उनसे विनय करना चाहिए कि दूसरे दिन मैं भोजन करूंगा, इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा और इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन एक बड़े कलश को वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को 2 प्रहर में स्नान तप आदि करके करता है, उनको करोड़ गुना फल जो है स्वर्ण के दान के बराबर मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं, उसका फल का वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न को खाते हैं, उन्हें चंडाल समझना चाहिए, वह अंत में नरक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, 3 गुरुओं से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले भी इस व्रत को अगर करे तो उन्हें उनके पापों से मुक्ति मिलती है, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनका निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजन करनी चाहिए, तत्पश्चात गौ का दान करना चाहिए और उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपाना आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक पढ़ते हैं वह सुनते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलेंगे, लक्ष्मण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।